शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् ए मारो मत। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग एक नए विषय पे बात करेंगे। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया। ये बहुत ही ऐसे गहन विषय है और इस पे हम लोग को बात करनी चाहिए। आप लोग 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं यहाँ पे ये सेटिंग कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों का अनम्यूट रहता है तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे म्यूट रखा करिए प्लीज। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है जहां पर मैं हूँ। तो अगर किसी वजह से मैं चला गया तो आप लोग ना इसको चलाते रहिएगा सेशन, बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलैटिक एनीमिया, ऐसा डायग्नोसिस करके आते हैं। तो ये क्या है, आयुर्वेद में कैसे देखे? जॉन्डिस मतलब दिख रहा है कि ये कामला व्याधि है, हेमोलाइटिक एनीमिया है मतलब पांडु रोग है। तो ये क्या है, मतलब आयुर्वेद में इसको किस तरह से सोचना चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो जो हेमोलाइटिक अनिमिया होता है इसको अगर हम लोग देखें तो आयुर्वेद में पानकी नाम की व्याधि बताई है और वंगसेन नाम के ग्रंथ में, वंगसेन जी ने जो लिखा है उसमें पानकी नाम का व्याधि के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। और मधुकोश टीका जो है माधव निदान की, उसमें भी पानकी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, मैं पहले हिमोलैटिक अनीमिया बताऊंगा, फिर जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलैटिक अनीमिया ये बताऊंगा। और ये एक तरह से परतंत्र व्याधि है, स्वतंत्र व्याधि नहीं है। तो इसमें जो पानकी नाम का व्याधि है इसमें पूरा शरीर अंतर्बाह पीला होता है, आंखें पांडुवर्ण की हो जाती है, इसमें ज्वर होता है, द्रवमल प्रवृत्ति होती है, ये लक्षण आता है। और सुश्रुत संहिता में अगर हम लोग देखेंगे तो हिमोलैटिक अनीमिया मतलब अपानकी ऐसा बताया है और अत्यंत कष्ट साध्य ऐसा व्याधि बताया है। और इसकी चिकित्सा हिमोलैटिक अनीमिया है तो इसमें आचार्य लोगों ने मतलब सुश्रुताचार्य जी ने बहुपित्त कामला की चिकित्सा बताई है। तो इसके लक्षण अगर हम लोग देखें तो क्या बोला है, आयुर्वेद के परिपेक्ष में देखे तो इसके बारे में बोला है कि पांडु रोगी यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते, मतलब पांडु रोगी जो है जिसके शरीर में खून की कमी है उसने अगर पित्तकर आहार विहार का सेवन बहुत कंटिन्यू किया तो पित्त का अधिक प्रकोप हो जाता है और कामला की व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो तीक्ष्ण और उष्ण कारणों से प्रकोपित हुआ वो पित्त है वो रक्त और मांस धातु में विदाह उत्पन्न कर देता है और वह कामला व्याधि की निर्मिति करता है। इसका उद्भव स्थान जो है वह महास्त्रोतस है और अधिष्ठान रक्त और मांस है, संचार पूरे शरीर में होता है। तो इसमें क्या होता है, हिमोलैटिक एनीमिया अगर हम लोग देखें तो नख नेत्र मूत्र पुरिश पीत वर्ण के हो जाते हैं, कालांतर से ये रंग हल्दी जैसा पीला हो जाता है, त्वचा जो है वो निस्तेज हो जाती है, पांडुवर्ण भेक वर्ण हो जाती है, मेंढक के त्वचा के समान फीकी दिखाई देने लगती है और सभी इंद्रिय अपना अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे सुनना है देखना है बोलना है ये अच्छे से नहीं हो पाता है। इसमें दाह होता है, अविपाक दौर्बल्य अंगसाद अरुचि ज्वर और अरति होता है। ये जो है एक तरह का हिमोलैटिक अनीमिया,
ऐसा रहता है। और इसमें और क्या बता रहे हैं, अगर हम कामला देखते हैं तो कामला का मतलब क्या है कि काम मतलब इच्छा, खाना पीना, किसी भी प्रकार में काम करना, ये जो इच्छाएं होती हैं आत्मा का गुण बताए। तो इसमें आकांक्षाएं इच्छाएं जो होती हैं वह जो रोग में नष्ट हो जाती है, मतलब मेंटल लेवल पे ये काम हो रहा है, तो उस व्याधि को कामला व्याधि कहते हैं। विविधान कामान लाती इति कामला, ऐसा कामला शब्द का स्पष्टीकरण किया गया है। कामला ये जो है, ये कुछ आचार्य लोगों ने, जैसे कि हारित जो थे, जो अग्निवेश के क्लासमेट थे, उनका ये मानना है कि कामला ये पांडु रोग का ही एक प्रकार है। और जो जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलैटिक अनिमिया है, ये एक परतंत्र व्याधि है, सेकेंडरी, ये एक बीमारी है, सेकेंडरी टाइप का जॉन्डिस है। तो वो चरक संहिता में अगर हम लोग देखें तो चरक संहिता में पांडु रोग को कामला की प्रथमा अवस्था कहा गया है। फर्स्ट स्टेज पांडु होता है, और वह पांडु रोगी ने अगर पित्त कर आहार विहार का सेवन किया तो वह कामला एक तरह का व्याधि हो जाता है। लेकिन वह जो होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। यहाँ पे है हीमोलाइटिक, जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, स्प्लीन में और लीवर में हो रहा है, खासकर स्प्लीन में हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से स्त्रोतोरुधो की स्प्लीनोमेगैली भी हो रही है वहां पे, क्योंकि तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्त्रोतोरुध हो रहा है, स्प्लीन का आकार बढ़ जा रहा है, और जॉन्डिस भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पित्त कर आहार विहार का सेवन हो रहा है। तो और वो भी रक्तवाह स्त्रोत में वो चला गया है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये परतंत्र रूप से है। अगर हिमोलैटिक एनीमिया नहीं होता, केवल जॉन्डिस होता, तो फिर वो ये स्वतंत्र बोलते, लेकिन यहाँ पे कॉज है तो हिमोलैटिक एनीमिया के वजह से जॉन्डिस हो रहा है, इसलिए परतंत्र व्याधि है। दूसरा है कि ऐसा भी ग्रंथों में बताया है कि पांडु रोग के बिना भी कामला की उत्पत्ति होती है, मतलब खून की कमी नहीं है, लेकिन मित्त आहार विहार क्या, बहुत स्त्रोतस की तुष्टि हुई और कामला की उत्पत्ति होती है, यह प्रत्यक्ष में दिखाई दिया है। यही बात बागभट जी ने भी कहा है कि पांडु रोग ये द्रुते अपिवा, मतलब बिना पांडु रोग के भी कामला व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलैटिक एनीमिया, ये परतंत्र व्याधि है, और इसके लक्षण जो है बहुपित्त कामला जैसे रहते हैं, लेकिन बहुपित्त कामला में उतना पीलापन नहीं आता है, इसमें ज्यादा आता है, तो इसीलिए इसको पानकी रोग, कुंभ कामला, पानकी और हलीमा और कामला, ऐसे चार पांच व्याधियां बताई हैं। तो इसमें पानकी नाम का जो व्याधि है वह पूरी तरह से मैच होता है। पांडु रोगी है या कोई भी इंसान है, नॉर्मल इंसान भी है, पित्तकर आहार विहार का सेवन करता है, शरीर में उष्ण तीक्ष्ण गुण से पित्त का अधिक प्रकोप हो जाता है, रक्त और मांस का विदाह होता है, यकृत में पित्त का अधिक उदीरण होता है, और पित्त का विमार्गमन होता है, सर्व शरीर में संचार होता है, और इसमें आरबीसी जो है उसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है स्त्रोतोरोध की वजह से, और पित्त का संग हो जाता है, और वह पित्त पूरे शरीर में फैल जाता है, ब्लड से निकलकर शाखाओं में आ जाता है, नहीं इसमें तो कोष्ठ में ही है, लेकिन उसका आंखों में, नख नयन वदन मूत्र पुरुष, इसमें दिखाई देने लगता है। तो ये बहुपित्त कामला है। अगर हम लोग ग्रंथों के हिसाब से देखें तो पित्त जो है वो रक्त का मल है, रक्तवह स्त्रोत में विशेषता, रक्तवह स्त्रोत के मूल स्थान यकृत में रक्त निर्मित के समय पित्त का मल रूप में निर्माण होता है। पित्त कर अगर किसी ने आहार विहार किया, जैसे कि क्षार का सेवन बहुत ज्यादा किया, अजीर्ण में भी खाना खाया, कटु रस का सेवन, तेल मिर्ची मसाला, डीप ऑयल मतलब ऑयल फ्राइड बहुत ज्यादा खाया, जला हुआ तेल में बार बार रीयूज रीयूज तेल में खाना खा रहे हैं, विदाही पदार्थ बहुत ज्यादा खा रहे हैं, लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, गरम मसाले बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसी तरह से दिन में सो रहे हैं, क्रोध ज्यादा कर रहे हैं, क्रोधात पित्तम, क्रोध करने से भी पित्त का प्रकोप हो जाता है, अचार बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और कुछ कुछ लोग रहते हैं इतना अचार खाते हैं जैसे सब्जी खा रहे हैं, उतना ज्यादा मतलब, अब विनेगर डाला हुआ या टोमेटो सॉस खा रहे हैं, या फिर फर्मेंटेड चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ये सब क्या करता है, अजीर्ण में भी खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, पित्त का प्रकोप कर देता है। और पित्त का प्रकोप भी दो तरह से होता है, एक क्षार धर्मीय और एक अम्ल धर्मीय। क्षार धर्म में उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गर्म ज्यादा हो जाता है, तो इसके वजह से अधिक मात्रा में पित्त का निर्माण होता है, और रक्त भी अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रित संबंध है, अगर पित्त ज्यादा बन रहा है तो रक्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में। दूसरा क्या होता है कि प्राकृत अवस्था में यकृत में निर्माण हुआ पित्त जो है वो पित्त वाहिनियों द्वारा कोष्ठ में आकर अन्न पचन के कार्य में मदद करता है, इसीलिए पित्त के कारण ही मल को पीत वर्ण प्राप्त होता है।
बहुपित्त कामला जो है, या हिमोलिटिक एनीमिया अगर हम लोग देखें, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि यकृत में अधिक प्रमाण में पित्त निर्माण होने लगता है, वह पित्त अधिक प्रमाण में कोष्ठ में आने लगता है क्योंकि ऐसा आहार विहार का सेवन हो रहा है, और पित्त के कारण ही पुरुष हल्दी जैसा पीला हो जाता है, यूरिन भी है, मूत्र भी है, आंखें भी हैं, स्क्लेरा सब पीले हो जाते हैं, नाखून भी है, फेस भी है, पीला पीला दिखाई देने लगता है, और अधिक प्रमाण में ये निर्माण हुआ पित्त है रस रक्त वाहिनियों द्वारा पूरे शरीर में विमार्गमन होने लगता है, अपना स्थान छोड़ के विमार्गमन हो रहा है, इसलिए पूरा शरीर पीले रंग का हो जाता है, नख नयन नेत्र त्वचा मूत्र आदि स्थानों में इसकी अभिव्यक्ति ज्यादा होती है, यकृत में निर्माण वाला पित्त प्राकृतनी विकृत स्वरूप से तैयार होने लगता है, और अन्न पचन भी ठीक से नहीं कर पाता है, इसीलिए अविपाक मतलब इनडाइजेशन होगा, अरुचि होगा, अंग साध होगा, दौर्बल्य होगा आदि लक्षणों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार यह शरीर में कोष्ठ शाखाश्रित कामला इस तरह से माना जाता है, कोष्ठ में तो है ही लेकिन शाखा में भी यह विमार्गमन हो रहा है, रुद्भद कामला है वो शुद्ध शाखाश्रित रहता है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें अगर पिनाकी अगर हम लोग देखते हैं, पानकी, पानकी नाम का व्याधि है, तो जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया, तो इसमें कंडू होगा, शोष होगा, ज्वर, श्वास, मूर्छा आदि उपद्रव हो जाते हैं, और मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, अगर ये आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो जांच कराई जाती है, तो हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, ई, हिपेटाइटिस ई में भी दिखते हैं, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लेमेशन है, या ड्रग इंड्यूस्ड हिपेटाइटिस है, जैसे एलोपैथी का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ब्रूफेन हो गया, क्रोसिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, फिर वोवेरन हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो ये नॉन स्टेरॉयडल एनएसएड्स जो रहते हैं वो अगर खाया जाए, ज्यादा टाइम तक खाया जाए, क्या होता है कि डॉक्टर ना कभी कोई दवाई का पर्चा बना देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, तो लोग क्या करते हैं खुद ही डॉक्टर बन के खुद ही इलाज करने लगते हैं, उससे क्या होता है और उनको मालूम नहीं होता है कि इनसे हमारा लीवर खराब होगा, या अल्कोहल पी रहे हैं उससे भी इन्फेक्टेड इन्फेक्शन हो जाता है, हिपेटाइटिस हो जाता है, और दूसरा है कि प्राइमरी हिपेटोमा भी हो जाता है, वहां पे ऐसे ग्रंथि ग्रंथि भी उत्पत्ति हो जाती है, तो इसमें इसको बोलेंगे जॉन्डिस ड्यू टू हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पे कंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न का जब पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है कि कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन, तो यहाँ पे कंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है और यूरिन का बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है, और इसीलिए यूरिन बहुत पीला पीला होने लगता है। दूसरा क्या है कि इसके वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन होने लगता है, कॉलीलिथियासिस होता है, कॉलीसिस्टाइटिस भी होता है, वहां पे इंफ्लेमेशन भी हो जाता है, इस तरह का ये कोष्ठगत कामला या कोष्ठ शाखाश्रित कामला ऐसे बोलते हैं, और यह परतंत्र रूप का कामला बताया गया है, अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमको इस तरह से सिखाया गया है कि हर व्याधि को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखें, आयुर्वेद का चश्मा लगा के देखें, तो हमें हर व्याधि जो अनुक्त व्याधियां हैं, जो आज के जमाने में जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया ऐसे बता रहे हैं, पांडु रोग है, हिमोलिसिस हो रहा है मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें अगर जॉन्डिस भी हो रहा है तो ये क्या होता है एक्वायर्ड टाइप का सेकेंडरी टाइप का हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, इसमें कभी कभी मलेरिया होने के बाद अगर मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया है और उसके वजह से स्प्लीनोमेगैली हो गई है इन्फेक्शन की वजह से, तो वहां पे ये सिम्टम दिखते हैं कि ह्यूमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है और जॉन्डिस हो रहा है ना, उसी तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाया, तो जैसे पेनिसिलिन के बहुत सारे थर्ड जनरेशन के जो एंटीबायोटिक आ रहे हैं, एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सोफ्रामाइसिन वगैरह, तो वो अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए खाया जाए उससे भी क्या होता है बॉडी में पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ने की वजह से हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, क्योंकि पित्त और रक्त का आशय से संबंध है, अगर उष्णता तीक्ष्णता बढ़ेगी तो कोई भी चीज ज्यादा बढ़ेगा तो क्या करेगा कि अपने आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि पित्त जो है वो पाचन करता है और यहाँ पे विकृत रूप से पाचन कर रहा है, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, इस तरह से हो रहा है, और उसके वजह से क्या होता है कि स्प्लीन पे लोड पड़ता है, इतने ज्यादा आरबीसी पड़ेंगे सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, कचरा कचरा जमा होगा तो स्प्लीन का आकार बढ़ने लगता है, उस पर प्रेशर आता है बहुत ज्यादा,
जैसे कि अगर किडनी स्टोन हुआ है, अगर यूरिन नहीं निकल रहा है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, वहां पे यूरिन पूरा किडनी में भर गया, निकल नहीं पा रहा है, किडनी बहुत सूज जाता है। उसी तरह से स्प्लीनोमेगली की भी संप्राप्ति ऐसी होती है कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, खून की कमी हो रही है, आरबीसी कम हो रहा है, एचबी लेवल कम हो रहा है, और उसके वजह से लीवर में भी ये पैथोलॉजी जाती है, लीवर में भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है और पचन क्रिया नहीं हो पा रही है और जॉन्डिस, ऐसे कंडीशन आ जाती है। तो इसमें जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक अनीमिया अगर हो रहा है, पान की व्याधि है आयुर्वेद के हिसाब से, तो इसमें स्प्लीनोमेगली ये सिम्टम दिखता है। कभी कभी हेरिडेटरी रहता है, अनुवांशिक कारण की वजह से होता है, तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी के वजह से बार बार होता है, पूरी लाइफ ये बार बार होते रहता है, होते रहता है, ऐसा एलोपैथी साइंस मानता है। दूसरा है कि एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, उसमें कुम्स टेस्ट करते हैं, COOMBS, ये एक कुम्स टेस्ट जो रहता है वो ब्लड टेस्ट रहता है, तो जो साइंटिस्ट है कुम्स COOMBS, उन्होंने डॉक्टर रॉबिन कुम्स, उन्होंने ये ब्लड टेस्ट का इन्वेंशन किया था, तो उनके नाम से ये कुम्स टेस्ट बना दिया है। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है जिसमें रेड ब्लड सेल को हम लोग देखते हैं, कोई सैंपल ले लिया ब्लड का और उसको हम डायरेक्टली आरबीसी कितना है वो हम देखते हैं। इनडायरेक्ट जो रहता है उसमें हम लोग लिक्विड पार्ट देखते हैं, प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा में पॉजिटिव है क्या, ये सारा चीज कुछ केमिकल डाल के चेक करते हैं, तो उससे डायग्नोज। तो दो तरह का कुम्स टेस्ट होता है, जिसमें डायरेक्ट आरबीसी देखेंगे या फिर उसमें प्लाज्मा देखेंगे, लिक्विड पार्ट देखेंगे, और उससे हम डायग्नोज करेंगे कि हेमोलाइटिक एनीमिया है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जॉन्डिस के भी सिम्टम दिखते हैं और अनीमिया मतलब पांडु रोग के भी लक्षण दिखते हैं, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है, यूरोबिलिनोजिन जो है यूरिन में बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि वो डेड सेल्स जो आ रहे हैं आरबीसी के उसकी वजह से यूरोबिलिनोजिन ये बन जाता है, जो डेड सेल आ रहे हैं और वह यूरिन में दिखाई देने लगते हैं। उसी तरह से रेटिकुलोसाइट्स है वो बढ़े हुए रहते हैं। तो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में, आयुर्वेद के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में जो यकृत है वो पित्त का स्थान है, पाचक पित्त का स्थान है, यहाँ पे आम दोष भी बढ़े क्योंकि पित्त में उतनी ताकत नहीं है कि वो आम का पचन करे, तो आम भी बढ़े, उससे भी स्त्रोत्र है, पित्त का आहार व्यहार क्या है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता भी बढ़ी है, सरता बढ़ी है, विस्तृत गंधता बढ़ी है पित्त की, तो और पित्त जो है वह थोड़ा कैसे स्नेह युक्त रहता है, ईशस स्नेहम ऐसे पढ़ा है हम लोग, तत्रुक्ष लघु शीतक खर सूक्ष्म चलो ना पित्तम ईशस स्नेहम, थोड़ा सा ईशस स्नेह रहता है। और ये ना जब रक्त का जो मल होता है उसको भी हम लोग पित्त बोलते हैं, तो ये शरीर से निकलना चाहिए, पित्त जो बढ़ा हुआ पित्त है वो शरीर से एलिमिनेट होना चाहिए, सिक्रीट मतलब बाहर एक्सक्रीट होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में पित्त अगर नहीं निकाला गया तो यह जॉन्डिस की तरफ जाता है, क्योंकि पित्त ज्यादा बढ़ा है वह ज्यादा क्या करेगा कि लीवर में पैथोलॉजी करेगा, और अब ऐसे देखा जाए हेपेटाइटिस ABCD उसका तो अलग कॉज होता ही है, दूषित पानी पीने से या फिर इन्फेक्टेड नीडल जाने से वो वायरस जाता है, वो तो है ही, वो पैथोजन जाते हैं वो है ठीक, लेकिन शरीर में क्या हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि पित्त बढ़ा हुआ है तो वह निकल नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग चिकित्सा में क्या बोलते हैं, कामल ही तो विरेचने, कामला रोग में विरेचन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है, विरेचन करने से हम पित्त की दुष्टि को निकाल देते हैं, स्त्रोत्र को दूर करते हैं। तो यहाँ पे हिमोलाइटिक अनीमिया और जॉन्डिस हो रहे हैं, तो दोष दोष से समूर्छना होती है, लीवर में ही होती है, यकृत में ही होती है, और पित्त और रक्त में बहुत ज्यादा दुष्टि रहती है। दूसरा क्या है कि अगर पांडु रोगी खुद ही पित्तवर्धक आहार विहार कर रहे हैं तो उसको परतंत्र रूप का कामला, परतंत्र मतलब जैसे कि उससे डिपेंडेंट है, अगर हिमोलाइटिक एनीमिया ठीक कर दिया तो जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा, परतंत्र रूप से कामला व्याधि हो जाती है। तो ये हमें पानकी को समझ के फिर इसकी चिकित्सा करना चाहिए। अभी मैं चिकित्सा बताऊंगा, लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ बोलिए इस टॉपिक पे, फिर मैं इसकी चिकित्सा और अच्छे से बताऊंगा। प्लीज अनम्यूट कर पा रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तनिका मैम, इस टॉपिक पे आपका क्या बोलना है? प्रशांत भट्ट जी, हरिहर सर, डॉक्टर सविता मैम, शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? वीना मैम, अगर आप लोग को सुनना पसंद है तो आप लोग सुनिए, नहीं तो शशि मैम आप कुछ बोलिए। हाँ
हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। तो जैसे मेरा एक पेशेंट था जिसके केस में था कि उसको जॉन्डिस था, जब मेरे पास आया तो आंखें पीली पीली थी और ब्लड टेस्ट वगैरह कराया था तो SGOT SGPT बहुत तेज था। तो उसको मैंने डाला हुआ था कि शुरुआत में लक्सेटिव दे रखा था कि पेट रोज साफ होना चाहिए, था तो बच्चा ही, और उसको एरंड भी दिया था मैंने। तो फिर बाद में सर उसके रिजल्ट आ गए थे और अभी भी मैं उसका ख्याल रखती हूँ कि पेट हमेशा साफ होना चाहिए उस पेशेंट का। तो ये जो कंसेप्ट है कामली तुभी रचना, तो ये तो फॉलो करना पड़ता है सर। और फलत्रिकादि क्वाथ वगैरह भी उसको दिया था और आरोग्यवर्धनी भी दिया था, लेकिन आरोग्यवर्धनी वही मैक्सिमम उसको मेरे ख्याल से 1 या 2 साइकिल चलाई थी, मतलब 40 40 डेज की। उसके बाद तो आरोग्यवर्धनी वगैरह उसका सब बंद कर दिया था। अभी उसको सर सर दर्द हो रहा था और थोड़ा सा चक्कर उकर आ रहे थे, तो बल्कि उसको पटोल कटोल रहने कषाय दिया है, तो उससे उसको काफी बढ़िया रिजल्ट है सर। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो अब इसमें चिकित्सा क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो इसमें पहले तो रोगी को मृदु विरेचन करना चाहिए। वंगसेन ने इस पे पानकी में जो बताया जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक अनीमिया, सारे सिम्टम्स वैसे ही मिलते हैं। तो उसमें क्या बोला है, रेचनम कामला अर्थस्य पानकी स्निग्ध स्यादेव प्रयोजित ततः प्रश्मनि कार्य विद्या क्रिया वैद्य ने जानता। मतलब रोगी को पहले स्नेह पूर्वक मृदु विरेचन देना चाहिए। पहले आप कोई स्नेह दे दीजिए, जैसे कि कटुकादि घृत है, त्रिपला घृत है, हरिद्रादि घृत है, तिक्त घृत, महातिक्त घृत, ये देके सॉफ्ट मृदु विरेचन देना है। तो उसमें क्या देना है, मृदु विरेचन के लिए आरगवत, द्राक्षा, मनुका, आंवला, आंवला का रस दे दिया या आंवला का चूर्ण दे दिया गर्म पानी के साथ, निशोत्तर दे दिया, कुटकी दे दिया, ये सारे द्रव्य मृदु देना है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं देना है। और इसमें स्नेहन के बाद विरेचन के लिए मधुर तिक्त कषाय और शीत विरेचनात्मक द्रव्य ही देना है, उष्ण तीक्ष्ण नहीं देना है। जैसे जमाल गोटा का इच्छा बेदी दे दिया आपने, जयपाल वाले कल्प, वो नहीं देना है, अश्वगंचुकी नहीं देना है, नाराच रस नहीं देना है, जलोदरारी रस नहीं देना है। इसमें आरगवत, द्राक्षा, आमलकी, निशोत्तर, कुटकी जैसे द्रव्यों का काढ़ा बना के दे सकते हैं। शमनोपचार में सभी पित्तघ्न उपचार आवश्यक होते हैं जो जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है और यकृत की दुष्टि है, यकृत की दुष्टि को ठीक करना है। तो तिक्त रसात्मक कुटकी का प्रयोग कर सकते हैं, काल मेघ का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आरोग्यवर्धिनी बटी, सुरशेखर रस, चंद्रकला रस, ऐसे ताम्रयुक्त कल्पों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ताम्रयुक्त कल्प है वो अनिमिया में भी काम करेंगे, HB लेवल को अच्छा करेंगे, और मंडूर भस्म भी दे सकते हैं, कुमारी आसव दे सकते हैं, कुमारी आसव नंबर 1। फिर उसी तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी, सुरशेखर रस, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा और एरंड पत्र का स्वरस 4-4 चम्मच दिन में 3 बार देने से पानकी या जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया में फायदा होता है। अगर बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, तो कामदुधा, मौक्तयुक्त कामदुधा, चंद्रकला रस, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, कंडू हो रहा है, तो वंग भस्म 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार सभी प्रकार के कंडू में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से इसमें चिकित्सा अगर बता रहे हैं और डिटेल में, तो गुडुचि सिद्ध माहिष घृत अगर दें, अग्नि को बढ़ा के दीपन पाचन करके और माहिष घृत दे के विरेचन करें तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। विरेचन के लिए त्रिवृत और आमलकी का या त्रिवृत लेहम का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और विरेचन के बाद मधुर द्रव्य से सिद्ध घृत या द्राक्षावले अगर दें, जैसे कि हम लोग शतावरी घृत दे रहे हैं, दाढ़ीमादी घृत दे रहे हैं, जो मीठे हैं वैसे घृत दें, और अश्वगंधा घृत दे रहे हैं, तो ये वात और पित्त का शमन करने के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म में रिजल्ट चाहिए हमें जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि ये ऐसी पैथोलॉजी बन गई है कि हमने कुछ दिन दवाई दिया, पेशेंट को अच्छा लगा, लेकिन वो फिर से रिकरेंस होता है। तो इसमें शीर बस्ती देना बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग तिक तक शीर बस्ती दें, तो 3-4 महीना कंटिन्यू दें, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग यापना बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती दें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अग्नि को बढ़ाना है और जॉन्डिस को भी ठीक करना है, हिमोलाइटिक अनीमिया को भी ठीक करना है, जो हिमोलाइसिस हो रहा है उसको भी बचाना है, तो हम लोग इसमें द्राक्षारिष्ट अग्नि प्रदीपन के लिए प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अभ्यावले, अगस्त हरित की अवले, पिपल्यावले, पिपल्यावले है वो जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है, पिपली रसायन है वो बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसी तरह से हम लोग और क्या देते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ दवाइयां हैं, जैसे कि हम लोग लौह कल्प देते हैं, ताम्र के कल्प, रौप्य अभ्रक के कल्प देते हैं, जैसे लौह भस्म, कांत लौह भस्म, मंडूर भस्म, काशिस भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ऐसे जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है।
और लेकिन लौ भस्म दे रहे हैं तो कभी कभी मलावष्टम हो सकता है, या द्रवमल प्रवृत्ति हो सकती है, या हुरलास नौशिया हो सकता है, उदरशूल हो सकता है। इसीलिए हम लोग लौ भस्म के बदले में मंडूर भस्म देते हैं, और मंडूर भस्म से बना हुआ पुनर्नवा मंडूर देते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। या नवायस लौह देते हैं, या नवायस चूर्ण देते हैं, उसके साथ त्रिफला चूर्ण मिला देते हैं, तो उससे अनुलोमन भी करना है, हरिद्की के सन भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जब भी हम लौह भस्म दे रहे हैं तो कैल्शियम वाली चीजें थोड़ा अभी कम करें, क्योंकि उससे फिर वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी तुरंत ज्यादा न दे, कम दे, बाद में लौह कल्प बंद करके फिर वो बढ़ाए। पित्त अगर बढ़ाए तो पहले हम लोग सुधा कल्प पहले देके बाद में लौह कल्प देते हैं, ये एक नियम बताया जाता है। और स्वर्णमाक्षिक भस्म जो है उसमें लौह और ताम्र दोनों रहता है, कॉपर कॉपर फेरस सल्फेट रहता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म रक्त का प्रसादन करता है। इसी तरह से स्वर्णमाक्षिक भस्म दे, ताप्यादि लौह दे, अभ्रक भस्म दे, तो जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया में फायदा होता है। इसी तरह से घृत कल्पना भी, क्योंकि पांडु रोग में पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हिमोलाइटिक एनीमिया में पित्त इतना बढ़ रहा है कि वो हिमोलाइसिस कर रहा है, बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, स्नेह कम हो जाता है। स्नेह कैसे कम होता है तो इसके बारे में श्लोक में बताया है, एक मिनट में बताता हूँ। इसमें त्वक स्फोटन, स्थीवन गात्र साध, ऐसा बताया है, त्वचा फूटती है। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि भेक वर्ण तो बोला ही है, एक मिनट, एक श्लोक है बहुत ज्यादा अच्छा। इसमें बोल रहे हैं, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निस्सारा शिथिलेन्द्रिया वैवर्ण्यम भजते। मतलब अल्प रक्त होता है, अल्प मेद होता है, निस्सार होता है, शिथिलेन्द्रिय हो जाती है, वैवर्णम भजते। और भी बताया है कि ओज की कमी हो जाती है, रक्त धातु रस धातु की कमी हो जाती है, और स्नेहन की कमी हो जाती है। इसीलिए पेशेंट को क्या रहता है, कर्ण श्वेडी, मतलब कान से श्वेड आता है, आवाज आता है, दुर्बल होता है, अंग साध होता है, श्रम भ्रम ये होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, गात्र शूल, ज्वर, श्वास, गौरव, अरुचि, ये सब होता है। तो हमारे ग्रंथों में इस पे रिसर्च हुआ है, जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया पे रिसर्च हुआ है, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें अल्प मेद होता है, स्नेहन की कमी होती है, इसलिए चिकित्सा में घृत कल्पना देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आरगवत हम लोग विरेचन तो दे रहे हैं आरगवत वगैरह, लेकिन हम लोग शतावरी घृत, दाढ़ीमादि घृत, अश्वगंधा घृत ये दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पका हुआ बेल का फल की मज्जा दें तो रक्ताग्नि को बढ़ाता है। रक्त पाचक भी दें, बहुत अच्छा फायदा, रस रक्त पाचक दें। और दूसरा क्या है कि पांडु में ओज क्षय भी होता है, तो वंग भस्म का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। वात प्रकोप है और लौह का कषाय रस है, तो उसके वजह से क्या होता है कि शरीर पे रुक्षता बढ़ती है, इसीलिए उसको बैलेंस करना है। तो जब भी आप लौह कल्प दे रहे हैं तो उसके साथ में घृत कल्पनाएं देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि घृत जो होता है उत्कृष्ट दीपन पाचन करने वाला होता है, ओजस्कर है, ओज को बढ़ाता है। उसी तरह से यह घृत जो है पांडु रोग में पित्त का शमन करता है, बहुत ही अच्छा दवाई है। इसी तरह से यकृत पे काम करना है तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी जो है वो जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि यह यकृत अवयव की विकृति दूर करता है, रक्ताग्नि का वर्धन करता है, और इसमें यकृत प्लीहारी लौह भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ओजस्य और धातु शिथिलता, धातु दुर्बल हो जाते हैं, यहाँ पे जॉन्डिस भी है, हिमोलाइटिक एनीमिया है, तो वहां पे हमें लौह भस्म और च्यवनप्राशावले अभ्रक भस्म देके धातु शिथिलता को दूर करना है। धात्रावले है, अश्वगंधावले है, कुष्मांडवले है, शतावरी कल्प है, ये सब सप्त धातु को बढ़ाता है, पोषण करता है, ब्रियान करता है। इसी तरह से हम लोग काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलाइटिक अनिमिया। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत जगह से बहुत सारे वैद्य लोगों का लेक्चर सुन के फिर मैंने नोट्स बनाए। आप लोग को अगर चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। इसमें मैंने बहुत सारे, बहुत दिन भर मेहनत किया है तब बनाए। तो इसमें पटोल मूलादि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, तिक्त रस का प्रयोग करते हैं, और विरेचन करना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में आम है बहुत ज्यादा तो इसमें रुक्ष विरेचन करना सही रहता है, क्योंकि अगर बहुत आम है और आपने घृत दिया, जैसे कि आपने दाढ़ीमादि घृत दिया, और बहुत ज्यादा घी देने से अग्निमंद और हो जाएगा, इसलिए पहले रुक्ष विरेचन दे, तिक्त रस डाल के रुक्ष विरेचन दे। और इसमें आसवरिष्ट भी ना दे, घृत और तेल भी ना दे, पहले विरेचन हो जाए फिर दाढ़ीमादि घृत वगैरह दें तो ये सही रहेगा, और या तो दीपन पाचन करके तब दें तो अच्छा रहेगा। उसी तरह से पटोल मुलादी को 6 दिन तक देना है, फिर जांगल मास रस
ट्रस्ट दे, पुराण शल्योधन जो रहते हैं, शुल्लक का मांसरस जो रहते हैं, मतलब शुल्य जो पक्षी और जो जो जैसे सींक पे पकाते हैं, वो जो जैसे कबूतर हो गया, तोता हो गया, मैना हो गए, उनका मांसरस अगर दें वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसी तरह से पटोल कटु रोहिण्यादि कषाय, निम्ब वत्सकादि कषाय, पटोल मूलादि कषाय, निम्ब त्वकादि कषाय, त्रिवित का प्रयोग करें, पटोल का, कल्याणक गुड़ का, इंद्रवारुणी, अविपत्तिकर चूर्ण दे, तो इससे रुक्ष विरेचन होता है और इससे कंडीशन में पित्त निकल जाता है, आम भी निकल जाता है। उसके बाद स्नेहन दे, तो पूर्व कर्म में स्नेहन की जरूरत नहीं रहती है ऐसे कंडीशन में। बाकी काम एनीमिया में देना है, कामला में देना है, इस कंडीशन में नहीं देना है, आम बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए शमन चिकित्सा के लिए गुड़ुच्च आदि कषाय दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बासा गुड़ुच्च आदि कषाय है, अमृता षडंग कषाय है, तिक्त कषाय है, महातिक्त कषाय है। आपको जो भी चिकित्सा करनी है पहले दीपन पाचन अनुलोमन से करनी है। पहले ही आपने घी बहुत ज्यादा पिला दिया, 1 किलो घी पिला दिया और फिर आप विरेचन देंगे, ऐसा नहीं। दीपन पाचन अनुलोमन, हमें पेशेंट की जान भी बचानी है, और वही स्टेप रहता है हर चिकित्सा का। फिर द्राक्षादि कषाय, मृद्विकादि कषाय, और चूर्ण में यष्टि मधु चूर्ण, फिर उसके बाद में सुदर्शन चूर्ण देने से, कालमेघ का चूर्ण देने से फायदा होता है। उसी तरह से विरेचन देना है तो कल्याणक गुड़ या फिर अविपत्ति कर चूर्ण दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पांडु रोग अष्टांग हृदय देखें या सुश्रुत संहिता चरक संहिता देखें, उसमें कौटज आदि शिला जेतु करके बताएं, वो बल्ल है। कौटज आदि शिला जेतु का गोली महाराष्ट्र में मिलती है। जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग मेरा वीडियो देखेगा आयुष दर्पण पे, मैंने बताया कौटज आदि शिला जेतु उसका कार्य कैसे होता है। अगर विस्तार से बताऊंगा तो लेक्चर का टाइम कम पड़ जाएगा, अभी मैं केवल दवाइयों का नाम बता रहा हूँ। इन सब की मेरी वीडियो है बहुत बड़ी बड़ी, कि वो कैसे काम करते हैं, पूरा फार्माकोलॉजी मैंने बताया है। आपको चाहिए तो आप लोग ग्रुप में लिखिए, आपको स्वप्निल जी दे देंगे कॉटेज आदि शिला जेतु। तो जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह से पिप्पल आदि लेहम दे, भृंगराज चूर्ण दे, द्राक्षादि लेहम दे, तेक राज आदि तेल को अगर सिर पे लगाए उससे भी ये जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया में काम करता है। बहुत जगह कामला में अंजन बताया है सुश्रुत संहिता में, तो अंजन और जॉन्डिस या पित्त धरा कला को ठीक करना है तो अंजन कल्पना, इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा। इसी तरह से हपुषा कषाय देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। साउथ में ये मिलता है हपुषा कषाय या अलम्बुषा कषाय, हपुषा या अलम्बुषा कषाय मिलता है, उसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से द्रवंती, ये अगर सुबह भूखे पेट दें, दंती द्रवंती, दंती भी विरेचन करता है, द्रवंती भी विरेचन करता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमें ये देखना है कि वातज है, पित्तज है, कफज है, इसमें क्या दिख रहे हैं। अगर वातज टाइप का दिख रहा है तो इसमें हम लोग को वातिके स्नेह भूयिष्ठम, पैत्तिके तिक्त शीतलम, और श्लेष्मी के कटु तीक्ष्णोष्ठम विपरीष्टम सानिपातिके। वातज टाइप का पांडु रोग है और जॉन्डिस है तो स्नेहन पहले करना है, पित्त प्रधान है तो तिक्त रस और शीत वीर्य का दवाई देना है, कफ प्रधान है तो कटु तिक्त रस और उष्ण वीर्य के औषधियों का प्रयोग करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वातज पांडु रोग है और जॉन्डिस कामला है तो ये भले परतंत्र है, लेकिन हमें पहले हेमोलाइटिक एनीमिया को ठीक करना है। तो वहां पे वात भी बड़ा हुआ है, इसीलिए रुक्षता जो है वो कम करने के लिए महापंचगव्य घृत, महातिक्त, दीपन पाचन करके महापंचगव्य घृत, फिर महातिक्त घृत, कल्याणक घृत दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। स्नेहपान के लिए भी दे और संवाहन भी इन्हीं घृतों से करना है, महापंचगव्य घृत, महातिक्त घृत, कल्याणक घृत से अभ्यंग करना है। उसी तरह से बला तेल, चंदन मला लाक्षादि तेल से अभ्यंग करें तो वात का शमन होता है। उसी तरह से योगराज, मतलब जिसको हम लोग ताप्यादि लौह बोलते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। नवजीवन अवलेह बहुत अच्छा काम करता है, स्वर्ण माक्षिक भस्म दे तो दुर्बलता बहुत अच्छे से रिकवर कर देता है। पित्तज पांडु है अगर तो तिक्त और शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है, मृदु विरेचन देना है। विरेचन के लिए, मृदु विरेचन के लिए आमलकी द्राक्षा का प्रयोग करें। और पित्तज पांडु रोग है तो उसमें आरोग्य वर्धनी वटी, सुचेखर रस, ताप्यादि लौह, स्वर्ण माक्षिक भस्म, नवायस चूर्ण, धात्रा विलेय, ये बहुत अच्छे कल्प हैं। दाढ़ीमादि घृत, कटुकादि घृत, द्राक्षादि घृत, हरिद्रादि घृत, ये अनुपान में दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफज अगर पांडु है और हिमोलैटिक एनीमिया है तो कफ को ठीक करने के लिए कटु तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना है, और लौह कल्पों में शिलाजित या फिर कॉटेज आदि शिला जेतु का प्रयोग करें, पुनर्नवा मंडूर, फिर गोमूत्र हरिद्की का, कफज पांडु है इसलिए गोमूत्र हरिद्की से विरेचन कराना है, मंडूर वटक, लोहा सव, लोहा परपट्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
इसी तरह से अगर मिट्टी खा रहे बच्चा या कोई स्त्री या कोई भी मिट्टी खा रहे है, मृद भक्षण जन्य हिमोलैटिक एनीमिया है, पांडु रोग है, तो इसमें और उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है, तो स्रोतोरोध को दूर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी जाके सारे स्रोतों में ब्लॉक कर रही है, तो तीक्ष्ण शोधन देना चाहिए, और शोधन देना है तो रोगी के बल का विचार करना चाहिए। तो हम लोग त्रिवित लेहम दे सकते हैं, एरंड तेल दे सकते हैं, अगर उन सब से कोष्ठ क्रूर है तो घृतपान करा के इच्छा विधि जैसे द्रव्य भी दे सकते हैं। स्रोतोरोध दूर होने के बाद बलवर्धक घृत का प्रयोग करना है, और मिट्टी खाना प्रमुख हेतु है, तो मिट्टी खाने की आदत को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो मिट्टी को जो देना है, बोले ये मिट्टी का दवाई वाला मिट्टी, उसमें विडंग विडंग इसलिए क्योंकि कृमि भी उत्पन्न हो रहा है, नीम पत्र कुटकी और इंद्र द्रव्य इंद्रिय आदि द्रव्यों से भावना दिया हुआ मिट्टी को रोगी को खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वर्ण गैरिक भी अगर दें, वो मिट्टी जैसे होते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। इससे कृमि होता है, जो कृमि जन्य पांडु रोग है उससे कृमि रोग की उत्पत्ति होती है, इसलिए कृमिघ्न चिकित्सा करना है, कृमि पातन औषधियां देना, जैसे कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, और आशयापकर्ष, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, ये तीन स्टेप जो बताए कृमि की चिकित्सा में वो करना जरूरी है। इसमें बहुत ज्यादा रक्त क्षय है, तो रक्तम रक्तेन वर्धते, इससे अजा रक्त जो है बकरी का रक्त पीने के लिए देना है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, रक्त ताजा रहे तो ज्यादा अच्छा है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दे बहुत अच्छा रहेगा, एचबी लेवल को मेंटेन करना है। और अगर बकरी का रक्त पी रहे हैं तो उसमें शहद मिला के दें तो अच्छा फायदा होता है। इसमें अग्नि मंद रहता है और रक्त पीने से बहुत कठिनाई आ सकती है, इसलिए इसका प्रयोग आज के जमाने में कोई खून नहीं पिएगा, पहले के जमाने में पीने के लिए देते थे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही सही रहता है। पथ्या पथ्य में गेहूं का प्रयोग करें, शालिषष्ठी या वो मसूर, और मसूर का दाल, तूर का जो यूस है वो दें, जांगल मात्रस, दाढ़िम और घृत, इसका प्रयोग करने और आराम करना चाहिए, क्योंकि हिमोलैटिक एनीमिया में खून की कमी है, जॉन्डिस भी है, तो रेस्ट बहुत जरूरी है। इसमें अध्यसन नहीं करना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, पित्तवर्धक आहार, दिवा स्वाप, रात्रि जागरण बंद करना है, अग्निमानदेह है तो अग्नि को लंघन करा के अग्नि को बढ़ाएं, रस पाचक दें या दीपन पाचन द्रव्य दें, धूप का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा मैथुन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, इन सब से क्या होता है हिमोलिटिक एनीमिया ठीक हो जाता है। और हम लोग दाढ़िमा वाले दाढ़िमादि घृत ये दें, द्राक्षावले द्राक्षादि घृत बहुत अच्छा से, या बीट रूट का जूस बना के दें रोज, या फिर हम लोग गाजर का रूस जूस बना के दें, तो एचबी लेवल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, इसमें दीपन पाचन के लिए पंचकोल का चूर्ण दे सकते हैं, अग्निमुख चूर्ण है, फिर अग्नि कुमार रस, अग्नि तुंडी बट्टी, जैसा कंडीशन है वैसा दे सकते हैं। आप लोग कुछ बताइए तब मैं और बताता हूँ। डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर, या महेंद्र सर, तनिका मैम, नहीं तो आप लोग मेरा सुनिए। हमारे आयुर्वेद में लौह कल्प बहुत सारे बताए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लौह कल्पास, जो जॉन्डिस ड्यू टू हिमोलैटिक एनीमिया में बहुत लौह तत्व की कमी भी हो रही है, एचबीबी लेवल कम हो रहा है, तो इसलिए धात्री लौहम सबसे अच्छा दवाई है। आधा चम्मच अगर सुबह शाम दें तो दूध के साथ दें, खाने के बाद 1 घंटे बाद दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। सप्तामृत लौह दें, यष्टि मधु लौह दें, त्रिफला लौह दें, शतावरी मंडूरम, पुनर्नवा मंडूरम, फिर नवायस चूर्ण, अयस्कांत सेंदूरम, मंडूर वटकम, ये बहुत अच्छे अच्छे दवाइयां हैं जो परतंत्र रूप से जो हिमोलैटिक जॉन्डिस जो हो रहा है, हिमोलैटिक एनीमिया से जॉन्डिस हो रहे हैं, उसमें मंडूर वटकम देने से, या इंद्रवारुणी, योगराज चूर्ण जो ताप्यादि लो है वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चिंचादि लेहम अगर दें, सहस्त्र योग में बताया, इमली से बनाया हुआ अवले है वो दीपन पाचन करता है, भूम्य अमलकी का प्रयोग करें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ऐसे करते हैं ना तो हमारा पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। अभी मेरे को जितना आता था वो मैंने आप लोग को बता दिया, अब आप लोग बताइए। हाँ और प्रणाम सर। अब बहुत प्रणाम सर, आपको कैसा लगा लेक्चर आज का? अच्छा लेक्चर है सर, बहुत ज्ञानवर्धक है। लेकिन सर मेरा थोड़ी थ्योरी है सर, जैसे मान लो अवशक के ज्वाइंट में रुद्रपद कामला है तो इसमें क्या स्टेन करना चाहिए क्या? रुद्रपद कामला है तो वहां पे कफ की वजह से आवरण है, तो वहां पे कटु रस पहले दें, जैसे पंचकोल दें, त्रिभुवन कीर्ति रस दें, पहले हम रुद्रपद जिस चीज से वो रुद्ध हुए उसका हम लोग चिकित्सा करते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस दिया, पंचकोल दिया, त्रिकटू चूर्ण दिया, पंचकोल आसव दिया,
पिपली का चूर्ण दिया, ये सब देने से क्या होता है कि कफ का विलयन हो जाता है और पित्त कोष्ठ में आने लगता है, और फिर उसकी चिकित्सा करें तो कामला जैसे चिकित्सा करें। हाँ मतलब उसके बाद जो एक्सपीरियंस करना चाहिए, पहले जो है आर्मी वाली चाहिए, स्त्रोत्र चाहिए। जी रुद्पद कामला में तिल पिष्ट निभम, सफेद तिल की तरह ऐसे चिकना चिकना मल आता है, उसमें कलर नहीं रहता है। जी और जैसे गॉलब्लैडर कैंसर आती है, बहुत केस आ रहे हैं गॉलब्लैडर के कैंसर हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ज्वाइंटेस में सिर में बढ़ जाता है, आप तो मुझे उसको एक क्या चीज कहते बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, सब कैंसर कैंसर ही नहीं होता है सर। अभी मेरे पास एक हैं पेशेंट सर? ऐसे डायग्नोसिस करके आया है जिनको कोलोन कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो हमारी अनुरिता मैम ने अपना बहुत सारा दवाई दिया तो वो ठीक नहीं हुआ, तो वो मेरे पास आए, मैंने उनको सिंपल दवाई दिया, मैंने ये कंसिडर ही नहीं किया कि उनको कैंसर है। उन्होंने बस बताया कि मुझे ना जब मोशन जाता हूँ तो अच्छे से नहीं होता है, आम बहुत ज्यादा है, और जब मोशन आता है उसमें ब्लड का क्लॉट आता है। मैंने नाड़ी देखा तो अग्निमन था उनका, तो जो चिकित्सा दिया गया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो चिकित्सा किया गया उसमें दीपन पाचन किया ही नहीं किया गया, उसमें कुछ फॉरएवर कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट दे दिया गया, पैसा बना लिया गया, वो ऐसा चिकित्सा नहीं होता है। चिकित्सा में दीपन पाचन, भूख लगना चाहिए। मैंने अपनी जो चिकित्सा होता है वो मैं बता रहा हूँ, दूसरे के बारे में क्यों टीका टिप्पणी करना है, मैंने जो दिया वो मैं बता रहा हूँ, और पेशेंट को इतना अच्छा लग रहा है, अभी मैं पेशेंट को यहाँ फोरम पे लाऊंगा, तो उनको मैंने कैंसर समझ के इलाज ही नहीं किया, मैंने उनको आम पाचक बटी दिया, आरोग्य वर्धिनी बटी दिया, गोदुग बाधित प्रवाल पंचामृत, मैंने उनको कितना दिया तो पांच पांच गोली दिया, गोदुग्ध भावित है तो ज्यादा ले तो भी अच्छा ही रहते हैं, वो दीपन पाचन भी करता है, और फिर मैंने उनको पंचतिक्त घृत गुगुल दिया, इसके साथ में मैंने उनको चंदन का चूर्ण, यष्टि मधु का चूर्ण और हल्दी का चूर्ण मिक्स करके पानी के साथ सुबह शाम लेना है, और एरंड हरिद्की का टेबलेट रात को दिया उनको, कि आपको रोज विरेचन करना है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा था इसलिए मैंने एरंड हरिद्की का टेबलेट रोज लेने को कहा, दो गोली रोज लेना है, उससे उनका मोशन क्लियर होने लगा सर। उसके बाद में उनका ब्लड आना बंद हो गया, ब्लड आना कैसे बंद हुआ, तो उनका एक तो मैंने चंदन का चूर्ण दिया, हल्दी का चूर्ण और यष्टि मधु दिया जो हील कर देता है जख्म को, और उसके बाद में मैंने आम पाचन मटी दिया, गुलकंद के साथ तक्र तक्र दिन भर पीना है, और ये प्रवाल पंचामृत ये सब दिया, पित्त को मैंने शमन कर दिया और हील कर दिया, अब वो पेशेंट को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो 72 आवर्स में उनको अच्छा लगा। अब मैंने उनको बोला कि ऐसा 3 महीना हम लोग करेंगे, फिर हम लोग 15 दिन के बाद घृत पान कराएंगे, जैसे दाढ़ी मादी घृत या फिर हम लोग महातिक्त घृत ऐसे वो करेंगे तो और ज्यादा रिकवरी होगा, उसके बाद में सीए मार्कर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे पेशेंट, उनको मैं कैंसर समझ के थोड़ा इलाज करूंगा कि हीरक भस्म दूंगा फिर ताम्र भस्म दूंगा, और ऐसे कैंसर समझ के थोड़ा देते हम लोग अपने ही सिंपल सिंपल दवाई देते हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और आपको क्या ये सही नहीं लग रहा है, चंदन का चूर्ण, यष्टि मधु और हल्दी का चूर्ण, ये हील नहीं करेगा क्या? नहीं हाँ सर, कहा जैसे डायग्नोज होके आते हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें ग्रोथ दिखा रहे हैं, या सीटी एमआरआई हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, उसमें ग्रोथ दिखा रहे हैं, उस जी वाली कंडीशन पे सर? हाँ, तो आप सर दीपन पाचन करिए ना, आम पाचक बटी दीजिए ना, और जो पित्त बढ़ा है पित्त की चिकित्सा करिए, आम बढ़ा है आम की चिकित्सा करिए, अनुलोमन करिए, उससे तो काफी रिकवरी हो जाता है, फिर हम बाद में कैंसर की चिकित्सा करेंगे, कैंसर भी है क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कोई पेशेंट आया और उसको डायरेक्ट पकड़ पकड़ के अगर हम लोग हीरक भस्म ताम्र भस्म कांचनार गुगुल ऐसे सब रौद्र रस ऐसे दवाएं देंगे, दीपन पाचन हुआ ही नहीं है और 6 महीने आप दवाई दे रहे हैं, फायदा ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा, फिर पेशेंट डिप्रेशन में जाते हैं। और इसमें जो बताया है हम मेरा चिकित्सा ऐसे क्यों मैं दे रहा हूँ और रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि बेसिक में क्या बताया कि पांडु रोग जब भी होता है या कामला या रक्तपित्त जो भी, उसमें ओज का क्षय होता है रक्त, अभी वो मेरे जो कैंसर कोलन कैंसर के पेशेंट है उनमें क्या बता रहे हैं कि आ, आ, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट की तरह मतलब रक्त की कमी है, तो रक्त क्यों नहीं बढ़ाऊं, रक्त पाचक भी दिया मैंने, ताप्यादि लव दिया, पुनर्नवा मंडूर दिया, रक्त को मैं बढ़ाऊंगा ना अपने आप उनकी ताकत, ओज बढ़ेगा रक्त बढ़ेगा तो पेशेंट अपने आप रिकवर होगा। मैंने उनको कांचनार कुकुल नहीं दिया, इरमुंगली घृत कैंसर सोच के दिया ही नहीं, मैंने अपने अपने पहले ये दिया है, फिर मैं देखूंगा क्या होता है, फिर सीए मार्कर कराएंगे 1 महीने बाद, फिर देखेंगे क्या करना है।
आपको मेरा ट्रीटमेंट सही लग रहा है तो आपकी आपका सही है, अगर क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज करिए। हाँ वीना मैम बताइए आप। आज का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ था, मगर मुझे ये पूछना है कि हिपेटाइटिस बी में कैसा विचार करना है आयुर्वेद से, हिपेटाइटिस बी। हाँ, अभी हिपेटाइटिस बी पे लेक्चर मैं लूंगा और ऐसे मैंने लिया भी है, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बढ़ जाता है, जो हाँ करेक्ट, इन्फेक्टेड नीडल गया ब्लड के थ्रू, वो ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू ब्लड के थ्रू जाता है, उस उन सब में क्या होता है कि लीवर में जाके वायरस बढ़ जाता है, और वो वायरस का जो ऊपर का जो लेयर होता है बहुत ही हार्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव आता है हिपेटाइटिस बी में, पेशेंट को तो पहले कुछ नहीं होता है, बहुत साल तक जी सकता है, लेकिन वायरल अपलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो कंडीशन खराब होने लगती है। तो हमें क्या करना है, मतलब मेरा अनुभव है कि स्वर्ण सुरक्षेकर, वो मैंने 1-1.5 साल चलाया ब्रेक कर करके, 42 डेज देखे, फिर ब्रेक किया, फिर 42 डेज, और कामला की चिकित्सा किया, विरेचन दिया, भूम में आंवला की क्वाथ दिया, कुटकी, काल में घासव, ऐसे सब यकृत पे काम करते रहा, दीपन पाचन करते रहा, बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन निगेटिव आ गया, वैसे ग्रेट सिक्स काम किया। मंथ के बाद वो निगेटिव आ ही जाता है कुछ पेशेंट में। हाँ मतलब मैंने जितने पेशेंट ही किए हैं उनका यकृत अच्छा कर दिया, धात्वग्नि अच्छा कर दिया, दीपन पाचन कर दिया, तो वो अपने आप वायरस को मार देता है बॉडी, वो सब ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसा नहीं है एंटीवायरल कोई दवाइयाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ रहा है तो क्या मिलती है सर? पोर्टल हाइपरटेंशन है तो हाँ सर, मैं आज ही से पढ़ा दूँ क्या सर? पोर्टल हाइपरटेंशन पे भी लेक्चर है मेरा, आप बोलेंगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ पोर्टल हाइपरटेंशन पे, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा, नहीं तो आप कल हो एक बार पढ़ा दूंगा। जाएंगे सारा कुछ ना सर, ये नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे। हाँ मैं पूरा आयुर्वेद पूरा कंटिन्यू बोल सकता हूँ। एक बार तो भारतीय विद्यापीठ के 4-5 MD लोग आए थे पढ़ने के लिए, मैंने उनको सुबह 7 बजे से पढ़ाना शुरू किया, शाम को 7 बज गया, कंटिन्यू पढ़ाते रहा, टीका वचन करते हैं, वो फिर भाग गए तो आए ही नहीं मेरे पास, वो मुझे अभी भी देखते हैं ना तो दूर भागते हैं, इतना ज्यादा पढ़ाते हैं। इसीलिए हमें बोर नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं, पोर्टल हाइपरटेंशन में पढ़ा सकता हूँ, आप लोग लिखिए ग्रुप में, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं क्या, कि किसी को कुछ बोलना है? गंगवार सर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, हाँ सर, एक पेशेंट को पेशेंट लाना। को लाना है। हाँ शाम को तो लिंक, मतलब रात में 9 बजे वाली में, तो उनको लिंक दे दूँ मैं? हाँ दे दीजिए। ठीक है सर, वो माइलोमा के पेशेंट हैं उनका, और पेशेंट को नहीं पता है, और ना पेशेंट को बताना भी नहीं है कि आपको ये तकलीफ है। तो उनके बेटे आए थे मेरे पास में, वो खुद भी आयुर्वेदिक फिजिशियन है, तो मैंने कहा ठीक है पैनल पर उनको लाते हैं, फिर डायग्नोसिस अपनी आयुर्वेद वाली बनवाते हैं और फिर आपका ट्रीटमेंट चलेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि सर को ऐसा ना लगे कि बताया नहीं भाग गया। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है कि कुछ हाँ थोड़ा सुन लीजिए, पोर्टल नहीं वेन में प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जैसे हमारा नॉर्मल बीपी होता है ना वैसे ही वहां पे प्रेशर हाई होता है। वो कैसा प्रेशर होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद जो खाना पचता है इंटेस्टाइन से, वो मिसेंट्रिक आर्टरी से पोर्टल वेन बनता है, छोटी छोटी आर्टरीज रहती है, चिपकी हुई रहती है, वो खाना पचते जाता है, धात्वग्नि की क्रिया होती है और पूरा सब करके पोर्टल वेन बनता है, पोर्टल वेन में जाता है, उसको वेन क्यों कहते हैं, आर्टरी क्यों नहीं कहते हैं, उस पर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, मिसेंट्रिक आर्टरी क्यों बोलते हैं और यहाँ पे पोर्टल वेन क्यों बोलते हैं, इस पर मैं अच्छे से बताऊंगा। ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रहे हैं इसलिए पोर्टल वेन बोलते हैं। तो ये जितना भी ब्लड आ रहे हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो इंटेस्टाइन से सब आ रहा है उसके, जो ऐसे स्टक करके आ रहा है लीवर में, उसका प्रेशर बढ़ता है। इसका कारण होता है कि अल्कोहल बहुत इंसान पी रहा है, पित्तवर्धक आहार विहार के सेवन कर रहा है, सेरोसिस हो रहा है, उसकी वजह से होता है। तो इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन में इसोफेजियल वराइसेस होता है, पोर्टल वेन के वराइसेस होते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति होती है, और इस पर मैं और बताना चाहता हूँ लेकिन बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, कल मैं बताऊंगा। इसमें मेरे पास सारे नोट्स भी हैं और मैं आप लोगों को देना भी चाहता हूँ सारा चीज, ठीक है?
अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू आप लोगों का। जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया के जो भी ट्रीटमेंट बताया गया तो आप लोग चिकित्सा करिए और हमें भी बताइएगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।